अगर थोड़ा सा बताएं गाने के बारे में, क्योंकि लोग बहुत ही जल्दी देखने वाले हैं इसका। जी आज हाय हमारे पिचकारी सॉन्ग आज लॉन्च हो रहा है 1 बजे, रजी म्यूजिक कंपनी से रिलीज़ हो रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि होली के इस साल के अवसर पे होली का सॉन्ग रिलीज़ हो रहा है। और ये सॉन्ग हमने बहुत अच्छे तरह से बनाया है, वीडियो भी अच्छे तरह से बनाई है। अभी लोगों को पसंद आना जरूरी है, उन्होंने पसंद करना चाहिए, ऑडियंस ने सबने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना चाहिए। बाकी हमने तो प्रोडक्ट तो अच्छा बनाया ही है, अभी ऑडियंस के हाथ में। प्राजक्ता, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने फिल्म में डांस भी किया है, तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था? बहुत अच्छा था, मतलब सबसे मैं इसमें एज अ डायरेक्टर भी हूँ, तो मेरा पहले से डिसाइड था कि मुझे पूल में एक तो चाहिए शॉट या कोई डांस चाहिए, सो हमने फाइनली उसे स्विमिंग पूल में डिजाइन किया। बट बहुत डिफ़िकल्टी था पानी में डांस करना, और वो भी पूरा डांस टाइप ऑल स्टेप्स थे, बट मैंने डिसाइड किया था कि मुझे करना ही है, खूबसूरत दिखना चाहिए, तो मैंने सोचा चलो जो हो जाए कर दिया हमने। और हमने ये शूट चंडीगढ़ में किया था, लुधियाना में। सो एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो कम्प्लीटली एक लगभग एक साल तक का टाइम गया हमारा शूट से लेके गाने तक, और उसको पूरा एक अच्छे तरह से करने के लिए। तो अभी ज़्यादा खुशी हो रही कि एक साल के बाद हमारी मेहनत सफल हो रही है। हाँ, आने वाला अभी एक प्रोजेक्ट का मूवी का प्रोजेक्ट हो रहा है, अभी उसका पोस्ट प्रोजेक्ट काम चालू है। एमएक्स प्लेयर के लिए आ रही है मूवी। और अगर होली के बारे में बात करें तो ये होली आप लोगों के लिए कितनी खास होने वाली है, क्योंकि जैसे 2 साल से हमने देखा कि कोविड में सब लोग घर पे थे, अब जो है होली लोग मनाने के लिए बाहर आने वाले, तो आप लोगों के लिए कितनी खास है इस साल की होली? लास्ट ईयर थोड़ा ओपन हुआ था कोविड की वजह से, लेकिन ये साल सब खिल गए, सब एस्टेब्लिशमेंट मार्केट खुल गया है और सब जगह एक दौड़ धूप है, तो ये होली सॉन्ग नेचुरली और डेफिनेटली एक एकदम पुलअप होगा, पुशअप होगा और हाई रेंज लेगा। एक अच्छा गाना हमने इस यू पे बनाया होली के, तो सब लोग मस्ती करेंगे, डांस करेंगे ये गाने पे। ये सॉन्ग में थोड़ा रैप भी डालना है, जैसे कि न्यू जनरेशन के लिए भी ये गाना अच्छा हो, उनको पसंद आना चाहिए, इसलिए ये थोड़ा नया स्टाइल का बनाया है। और होली की वो जो हुक लाइन है ना, होली होली कड़े बने मस्ती, तो लिटरली लोग बहुत मस्ती करेंगे इस गाने पे, तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा देखने में। और अगर गाने की 2 लाइनें गुनगुना दे आप हमारी ऑडियंस। श्योर। हाथा विच लेके नी थोड़ा सा गुलाल, रंग देवा सोनिया वे तेरे दोए गाल, चढ़िया वे सानू नशा तेरे रंग दा, चढ़िया वे सानू नशा तेरे रंग दा, शराबी वांगू लग दी होए होए होए, शराबी वांगू लग दी अच मेरी जान, तो होड़ी होड़ी कर बड़े मस्ती की मारे पिचकारी रंग दी, होड़ी होड़ी कर बड़े मस्ती की मारे पिचकारी रंग दी। थैंक यू। प्राजक्ता, आपसे जानना चाहूंगा शूटिंग का एक्सपीरियंस कैसा था, कुछ कहना चाहेंगे? जैसे आप, मैंने देखा कि शूटिंग के दौरान बहुत मस्ती की आप लोगों ने, शूटिंग के लिए जैसे स्विमिंग पूल में करना तो डिफ़िकल्ट थी, लेकिन मुझे करना ही था। फिर हमने आउटडोर पे भी किया था, और जो बैकग्राउंड में हमने मतलब बलून्स रखे थे, कलर्स रखे थे, और डांसर तो बहुत फ्रेंडली थे। एक्चुअली हमने उस टाइम, और हमारे जो पहले सॉन्ग्स आए हैं चंडीगढ़ की क्वीन और उलझी रे, उनके भी शूट उसी टाइम कहते थे, बट डांसर लोगों ने ये गाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और इस गाने पे बहुत एंजॉय किया। जैसे स्विमिंग पूल में गए तब से तो वो लोग तो सुनने के लिए तैयार नहीं थे, उनको तो अपनी मस्ती में थे और बहुत खुश थे वो गाने में। डांस करना और पूल में करना, आउटडोर करना, कलर के साथ खेलना, बिना होली के भी कलर के साथ खेलने को मिलता है, तो डेफिनेटली कोई भी खुश ही होगा। वरना एक साल वेट कौन करेगा कि होली कब आएगी, कब खेलेंगे। और एक तो कोविड के टाइम के बाद होली खेलने को मिला, तो बेसिकली हमने बहुत एंजॉय किया शूटिंग के टाइम। मैं प्राजक्त का डैडी हूँ, जो सिंगर श्रुति जी है उनका हस्बैंड, तो
में तो फैमिली का एक बड़ा हिस्सा है। हाँ, तो अगर इनकी इच्छा है प्राजक्ता की और कि मुझे ये फील्ड में जाना है, प्राजक्ता ने एक वेब फिल्म भी की है, इसके पहले भी जी म्यूजिक से उनका 3 गाना आया है, मैडम श्रुति मैडम ने उसको सॉन्ग किया है और प्राजक्ता रोल उसका है उसमें, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला और एक अच्छा कंपनी है जो अपने को प्रमोट करती है, अपने पीछे है, इससे इसकी वजह से एक प्राजक्ता ये लाइन में स्टेबल हुई हो जाएगी और ये हम चाहते हैं कि प्राजक्ता यहाँ फिल्म बोलो या कोई वेब फिल्म बोलो, फीचर फिल्म बोलो, उसमें उसका एक कदम है, आगे चलने की कोशिश है ये, और मैं और मेरी मिसेस मेरी वाइफ प्राजक्ता के पीछे है और इसको सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम रील में गाना सुनने के लिए मिलेगा अगर? या डेफिनेटली मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।